आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फेस्ट और आपके साथ मैं शिवानी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। बुलंदशहर से बड़ी खबर, जिला पंचायत द्वारा निर्मित बुलंद सिटी सेंटर में भ्रष्टाचार की जांच करने पहुंची एसआईटी की टीम। बुलंद सिटी सेंटर में भ्रष्टाचार पर 20 बिंदुओं की जांच करने पहुंचे एसआईटी के अध्यक्ष आईएएस जीएस नवीन कुमार। सीएम योगी आदित्यनाथ से बीजेपी के सदर विधायक प्रदीप चौधरी ने की थी भ्रष्टाचार की शिकायत। सपा सरकार में काला आम चौराहे के पास 28.5 करोड़ की लागत से बना था बुलंद सिटी सेंटर। मॉल में हुए आवंटन से लेकर जिला पंचायत को राजस्व के स्रोत की टीम ने प्राप्त किया अभिलेख। जांच के बाद की जा सकती है बड़ी कार्रवाई। बुलंदशहर से धर्मेंद्र निगम की देखिए खास रिपोर्ट। इसमें कि जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि समय समय पर इसकी शिकायतें होती रही हैं और मुख्यतः 20 बिंदुओं पर शिकायतें की गई थी। एसआईटी गठन के लिए कहा गया था, जिसके क्रम में एसआईटी का गठन हुआ है, उन्हीं के संदर्भ में स्थायी निरीक्षण के लिए आज एसआईटी की टीम आई हुई। लगभग कौन कौन से बिंदु थे? 20 बिंदु में शासन की अनुमति से लेकर आवंटन तक की तथा इससे कितना राजस्व का स्रोत, कितना जिला पंचायत को लाभ हो रहा है, इन सब बिंदु उसमें शामिल थे। तो कुछ बिंदुओं में कमी पाई गई? अभी तो स्थायी निरीक्षण किया गया, जैसे अभिलेख भी मांगे जाएंगे और अभिलेख उपलब्ध करा दिए गए हैं, लेकिन और जो अभिलेख मांगे जाएंगे एसआईटी को जिला पंचायत द्वारा दिया जाएगा। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज इंडिया फर्स्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।